In this, you have already done angle of elevation, angle of depression, line of sight, ये सब आपको पता है. So let us discuss that once again. Line of sight जब हम ऊपर की तरफ लेते हैं along with the horizontal, this angle is your angle of elevation. जब आप इसी को सेम एंगल नीचे की तरफ लेते हो विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. जब हमें आई को एलिवेट करना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ मूव करना पड़ रहा है, देन दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन. जब आई हम नीचे की तरफ लोअर कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. लेट दिस बी डिनोटेड बाय फाइव, दिस बी डिनोटेड बाय थीटा. अब एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल्स जो हैं, हमें इनको मेजर करना है, दैट आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड थियोडोलाइट. ये इंस्ट्रूमेंट नेम है टू मेजर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन. लाइट, एल आई टी ई, थियोडो लाइट. दिस इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ इफ आई एम हैविंग सपोज दिस पॉइंट एट द टॉप ऑफ द टावर एंड दिस पॉइंट आई एम हैविंग एट द ग्राउंड, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करूंगी ऊपर की तरफ, देन दिस विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन. ऊपर की तरफ हम ले रहे हैं तो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. बट अगर कोई पर्सन जो है वो इस पॉइंट पे खड़ा है और सेम पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, देन दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि उसको नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, तो दैट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब ये भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो इट मींस ये दोनों एंगल्स आपके, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो गए, तो दिस इज अ ट्रांसवर्सल, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो दोनों एंगल्स का क्या रिलेशन होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, दे आर इक्वल. ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, तो इट मीन अब ये एंगल ऑफ क्या था, एलिवेशन, डिप्रेशन, ये क्या था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में क्या रिलेशन हुआ हमारा, बोथ आर इक्वल. क्लियर? सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ. बाकी आपको जो टी रेशियोज वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता ही है. टैन थीटा क्या होता है, व्हाट इज टैन थीटा इक्वल टू, रेशियोज किस किस की रेशियो लेते हैं टैन थीटा के लिए, साइन बाय कॉस, साइड्स की रेशियो बताइए. दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपो, दिस इज योर थीटा. थीटा के अपोजिट ऑलवेज यू आर हैविंग द परपेंडिकुलर, थीटा के जो एडजेसेंट साइड है दैट इज ऑलवेज द बेस. कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये 90 डिग्री का एंगल है तो परपेंडिकुलर हमने किसको लेना है, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज अपोजिट टू थीटा. और परपेंडिकुलर जहां जो थीटा की बेस लाइन है अदर देन हाइपो जो साइड है, दैट इज द बेस. रेशियोज आपको पता है, इफ यू टेक द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपो दैट इज साइन थीटा, बेस एंड हाइपो दैट इज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर एंड बेस दैट इज टेन थीटा. तो ये टी रेशियोज पता होनी चाहिए आपको इनके क्वेश्चन के करने के लिए. देन जो आपका टेबल था साइन 30, साइन 45, ये सभी वैल्यूज जो है वो आपको पता होनी चाहिए, देन यू विल बी easily able to do the questions of these. So moving to the question number one, simple to complex we will move. First question we are having, the top tops of two poles of height 20 meter and 40 meter. Two poles we are given. The height of the first one is 20 meter. The height of the second one is 14 meter. So ye hamare poles ban gaye. Naturally ek bada hoga dusre se. इसके बाद वो कह रहे हैं दीस टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर. इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है. इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये वायर है तो ये एंगल हमने बना दिया 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर क्योंकि ये वायर थी हमारी, तो इट मीन्स वी आर टू फाइंड दिस. ठीक है, एक ही ट्राइंगल हमें दिख रहा है, जहां पे भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लगा रहे हैं हमें राइट ट्राइंगल्स जो है वो निकालने हैं कि कौन से राइट ट्राइंगल में क्या चीज हमें कैलकुलेट करनी है, अकॉर्डिंगली हम देखेंगे. यहाँ पे भी आप ले सकते हो, यू कैन टेक हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है, सो दैट विल बी अगेन, क्योंकि उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ,
एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कुछ मेंशनड नहीं है, तो वो हम अंडरस्टूड लेके चलते हैं कि हॉरिजॉन्टल हम इधर वाला ले लेते हैं। आप इधर भी लोगे देन ऑल्सो दैट विल बी द सेम थिंग, आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। ठीक है, तो हम हमेशा इजीएस्ट वर्क जो है वो करते हैं, हमने अपना टाइम सेव करना है एग्जाम में, तो इसके लिए मैंने ये एंगल ले लिया 30 डिग्री। अब ये ट्राइंगल को नेम दे देते हैं हम, दिस इज ए बी सी डी एंड दिस इज ई। यस, क्योंकि ये पूरा 20 है, ये 14 है, ये दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हैं ग्राउंड के साथ। हम हमेशा जब भी हमें टॉवर गिवन है, हमें ट्री गिवन है, हमें बिल्डिंग गिवन है, हम हमेशा एंगल 90 डिग्री लेके चलते हैं। तो ये दोनों 90 डिग्री एंगल्स हैं, तो दीज आर पैरेलल, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 बन रहा है, तो ये ऑब्वियसली दोनों हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगेन दीज आर पैरेलल, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये अगर 14 है तो दिस बी ई विल ऑल्सो बी 14, और पूरी हाइट मुझे कितनी गिवन है, दैट इज गिवन टू बी 20, तो इट मींस दिस ए ई विल बी 20 माइनस 14, दैट इज 6। ये सारा आप वहां पे लिख के दिखाओगे, आई एम नॉट डूइंग द क्वेश्चन थॉरली, सिर्फ आई एम गिविंग यू द हिंट्स। तो ये 6 आ गया। अब ट्राइंगल मुझे क्लियर कट दिख रहा है ए ई डी, ए ई डी में आई एम हैविंग द परपेंडिकुलर, आई हैव टू कैलकुलेट द हाइपो, आई एम गिवन द थीटा। जो भी टी रेशियोज वाले हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कोई दो चीजें हमें हमेशा गिवन होंगी, थर्ड जो अननोन है वो हमने कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है, परपेंडिकुलर एंड हाइपो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से टी रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, साइन को। तो यू विल राइट डाउन 30 इज इक्वल टू 6 अपॉन ए डी एंड यू कैन कैलकुलेट ए डी। गॉट इट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग अ मूविंग बोट इज observed from the top of a 150 meter high cliff moving away from the cliff. Cliff is a kind of, kya hota hai cliff? What do you mean by cliff? Small mountain you can see. ठीक है, उसके टॉप से हम लेके चल रहे हैं, पहाड़ की चोटी होगी ये, so 150 meter high है, उससे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक बोट को दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। तो आप चाहे मूविंग अवे इस साइड दिखा दो, चाहे आप इस साइड दिखा दो, दैट इज अप टू यू। एंड मूविंग अवे में वो क्या कह रहे हैं, कंडीशन हमें क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स यहाँ से जो एंगल्स बन रहे हैं, तो एंगल्स चेंज हो रहे हैं फ्रॉम 60 टू 45। वैसे तो अब यहाँ पे क्लियर कट मुझे पता लग रहा है, क्योंकि बोट इज मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, तो ये 60 डिग्री से चेंज होगा 45 डिग्री। इन केस पेपर में आप कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं समझ आता कैसे करना है, तो हमेशा याद रखो छोटे वाला एंगल हमेशा बाहर की तरफ आएगा, बड़े वाला एंगल हमेशा अंदर की तरफ आएगा। हाँ जी, ठीक है, तो 90 60 45, जितना हम उससे दूर जाते जाएंगे एंगल हमारा कम होता जाएगा, क्योंकि स्लोप जो है वो आपकी चेंज होती जाएगी। सो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। बट उसने क्या कहा है यहाँ पे, दीज आर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करने पड़े, ये ध्यान रखते हैं आपने। सो नंबर वैसे तो नहीं कटते हैं, बट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर, क्योंकि अगर आपके 100 आ रहे हैं तो वो 100 हमारी कोशिश ये होती है कि नहीं देने, तो गलती ढूंढनी होती है हमें, तो इस तरह की गलती भी आपने नहीं होने देनी, यू आर टू टेक केयर ऑफ दिस। सो ये एंगल जो था बड़ा है तो 60 डिग्री, ये एंगल छोटा है तो 45 डिग्री, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एंगल जो है ऑल्टरनेट एंगल इसका 45 डिग्री ये बन गया और 60 डिग्री ये बन गया। अब ये डिस्टेंस उसने हमें क्या कहा कि दिस इज कवर्ड इन 2 मिनट्स, यहाँ से इस पोजीशन पे जो 60 डिग्री से 45 डिग्री एंगल चेंज हुआ है, दैट इज चेंज्ड इन 2 मिनट्स। हमें निकालना क्या है, वी आर टू फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, हमें स्पीड ऑफ द बोट जो है वो निकालनी है। ये हमें 150 मीटर गिवन है, ये हमें 2 मिनट्स गिवन है टाइम, निकालना क्या है हमने स्पीड ऑफ द बोट, तो हम उसी को एज्यूम कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इज x मीटर पर मिनट। ठीक है, अब इनको नेमिंग दे देते हैं हम, दिस इज ए बी सी एंड डी। अब देखो जो सी डी डिस्टेंस है दैट इज कवर्ड इन 2 मिनट्स, ठीक है,
और जो बोट की स्पीड है वो हमने क्या मानी है कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक्स मीटर ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मिनट्स में ट्रेवल किया, तो 1 मिनट में अगर वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक्स मीटर, तो 2 मिनट्स में कितना करेगी, 2x, यानी कि जो सी डी है हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2x। सो डिस्टेंस सी डी इज कवर्ड इन 2 मिनट्स, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 2x मीटर, यूनिट मीटर में गिवन है, सो दिस इज मीटर। BC अगेन मुझे नहीं पता कितना है, तो आई विल अज्यूम टू बी y, सो BC इज y मीटर। अब अगेन ट्राइंगल्स ढूंढो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज ABC, राइट ट्राइंगल हमेशा हमने लेके चलना है, एंड द सेकेंड वन इज ABD, सेकेंड ट्राइंगल इज ABD। चलिए बताइए अब जल्दी से, फर्स्ट ट्राइंगल ली मैंने ABC, क्या क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन इन दिस ABC, परपेंडिकुलर, यस, P by B, सो P by B इज tan 60। अगेन यहाँ जैसे आपको बताया हुआ है, यू विल राइट डाउन इन द सेम वे, आई एम यूजिंग द शॉर्टकट, बट यू विल नॉट यूज, मुझे नंबर नहीं मिलने हैं, आपको मिलने हैं। सो tan 60 इज इक्वल टू 150 अपॉन y, tan 60 कितना होता है, दैट इज √3, √3 इज इक्वल टू 150 अपॉन y, सो y आ जाएगा 150 बाय √3। रैशनलाइज कर लिया मैंने इसको, स्टेप आई हैव स्किप्ड, √3 into √3 is 3, 150 से this will be 50 √3, I have skipped one step over here, you will not, so मेरे पास यहाँ पे ये distance y कितना आ गया, 50 √3। अब ये distance y जो है 50 √3 है, so moving on to the second triangle, second triangle हमारी कौन सी है, ABD, Kunal concentrate on the board बेटा। So in triangle ABD, what we are having, again perpendicular and base. But in this triangle we are having base as y and this is 2x. So jo base hai aapka, that will be y plus 2x. So this will be tan 45 is equal to 150 upon y plus 2x. Y kitna aaya hai hamara? 50 √3. So this y you will put over here. Tan 45 is 1. So 1 is equal to 150 upon y, we are having 50 √3 plus 2x. Ab inko hum idhar le jayenge, so we will be having 50 √3 plus 2x is equal to 150. 2x is equal to 150 minus 50 √3. This 2 again we will bring over here. यहां से आप 50 कॉमन ले सकते हो, सो यू विल बी हैविंग 3 माइनस रूट 3 बाय 2, सो दिस इज 25 इंटू 3 माइनस रूट 3 मीटर पर मिनट। मिनट्स आप चाहो तो इसको यहाँ छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि स्पीड का जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट दिस इंटू आवर्स ऑल्सो। ठीक है, क्या करोगे आप, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, so you will get 1500 into 3 minus root 3 meter per hour. Got it? So this is your answer. Now moving on to the next one. You can note it down. Online students can take the screenshot. We are having a vertical tower is surmounted by a flagstaff of height 5 meter. Ye vertical tower hai. This is mounted by a flagstaff of height 5 meter, यानी कि ये height मुझे given है 5, this is the top, this is the bottom of the flag, bottom of the flag or top of the building जो है, building या tower whatever is given, this is tower, so that will be the same point. अब हमें यहाँ पे given है, at a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of flagstaff, at a point on the ground, ये ground में हमने point ले लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, इट मीन्स एंगल नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन किस किस का है, ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। पहले क्या आया क्वेश्चन में, बॉटम एंगल कौन सा आया 45 डिग्री का,
बाद में क्या आया टॉप और एंगल क्या आया 60 डिग्री, क्योंकि रिस्पेक्टिवली गिवन है. अदरवाइज वैसे भी जब हम इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो यू विल सी ये एंगल हमारा बड़ा है तो दिस विल बी 60 डिग्री एंड ये एंगल हमारा छोटा है तो दिस विल बी 45 डिग्री. ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में से हमें क्लियर कट समझ आ रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द बॉटम इज फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड विद द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री. तो ये एंगल्स बन गए हमारे. अब निकालना क्या है हमें, वी आर टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टॉवर. हाइट ऑफ टॉवर आई एम नॉट हैविंग सो लेट अस अज्यूम दिस टू बी इक्वल टू एच. नेम दे दो टॉवर, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर. ये टॉवर है, टॉवर के ऊपर ये फ्लैग स्टाफ. ठीक है, क्लियर. दोबारा से क्वेश्चन सुन लो. हमें गिवन है एक टॉवर, उसके ऊपर 5 मीटर लेंथ का एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है. फ्लैग स्टाफ के टॉप और बॉटम से जो एंगल्स बन रहे हैं, टॉप के साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री, बॉटम के साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री. व्हाट वी आर टू कैलकुलेट, वी आर टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टॉवर. हमें नहीं पता कितनी है तो इसको आप एज्यूम कर लोगे. लेट द हाइट ऑफ द टॉवर बी एच, यूनिट्स हमें मीटर में गिवन है तो एच मीटर. अब दो ट्राइंगल्स यहाँ पे हमारे कौन कौन से बन रहे हैं, फर्स्ट वन दिस बी सी डी, यस एंड ए बी सी. सो ट्राइंगल बी सी डी एंड ए बी सी. बी सी डी में क्या क्या गिवन है मुझे, हाँ थीटा 45 डिग्री, हाइट हमें नहीं पता वो हमने एच मानी है, बी सी हमें नहीं पता इसको एक्स ले लो या बी सी की टर्म्स में एज इट इज लेके चल सकते. हाँ जी, पी बाय बी, पी बाय बी इज टेन 45 आ जाएगा. टेन 45 इज इक्वल टू पी इज हाइट एंड बी इज बेस. टेन 45 इज वन, एच इज इक्वल टू एच, यानी कि बेस और जो परपेंडिकुलर है जो हाइट ऑफ द टॉवर है दैट आर सेम. तो लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर वन. मूविंग ऑन टू द सेकंड, नाउ ए बी सी. अब इसमें देखो 5 ये हाइट गिवन है फ्लैग स्टाफ की, 5 ये हाइट है, टोटल लेके चलनी है तो दैट विल बी एच प्लस 5. तो टेन एंगल 60 डिग्री का गिवन है, टेन 60 इज इक्वल टू एच प्लस बाई एच. एक्स किसके इक्वल हमने निकाला है, एच के. तो यूजिंग इक्वेशन वन, यस बच्चे कौन सी बेटे, जो जो मुझे गिवन है. अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे एक्स जो है कॉमन है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी बन रहा है, बड़े वाले में भी बन रहा है, ठीक है, तो ये कॉमन वाला मैंने ले लिया. इधर मुझे हाइट निकालनी है, इसको तो मुझे लेना ही पड़ेगा. ये लेंथ मुझे गिवन है, ये मुझे लेनी ही लेनी है. जो चीज मुझे गिवन है दैट आई हैव टू टेक, जो मुझे कैलकुलेट करनी है दैट आई हैव टू टेक. उसके अलावा अगर कुछ कॉमन बनता है तो वो ले लो, क्योंकि अगर इनके मैं हाइपो लेके चलती हूँ, दोनों अलग अलग है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा उससे. अगर मैं इसका हाइपो निकाल लेती हूँ, इनकेस मुझे नहीं समझ आया कि मैंने बेस निकाला है एंड आई हैव कैलकुलेटेड दिस हाइपो, अब इस हाइपो को मैं क्या यूज करूँ इसके लिए, क्योंकि अगर मैं ये ट्राइंगल लेके चलूंगी दैट इज नॉट अ राइट ट्राइंगल. और टेंथ के लेवल तक हम जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं दैट इज एप्लीकेबल ऑन द राइट ट्राइंगल ओनली. तो ये राइट ट्राइंगल नहीं बन रहा, इट मीन्स हाइपो का कोई यूज नहीं है मेरे लिए, ठीक है. और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो ये कॉमन था दोनों ट्राइंगल्स में, तो दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस बेस. Got it now? अब 1060 हो गया हमारे पास, h plus 5. This is perpendicular. h ये था, 5 ये था. Total height h plus 5 upon base x. अब x मुझे यहाँ से मिल चुका है. x किसके equal है? h के equal है. तो यहाँ पे हम replace कर देंगे. 1060 we are having as root 3. This is equal to h plus 5 upon h. x को मैंने replace कर दिया. तो using 1. Now cross multiply करो. आगे आप खुद solve कर लेना. H is equal to 5 upon root 3 minus 1, then you will rationalize or answer jo hai height of the tower that you will get 5 into root 3 plus 1, 5 by 2 into root 3 plus 1 you will get. So this is your question. Moving on to the next one now. So the next question we are having, noted? हाँ जी,
So in this question, we are having angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. Let this point be representing the position of the aeroplane. इसका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ग्राउंड से, लेट दिस बी द पॉइंट. यहाँ से जो एंगल हमें गिवन है इसका, दैट इज गिवन टू बी 60 डिग्री. आफ्टर दैट ही इज सेइंग कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री. 30 सेकेंड्स जब ये फ्लाई कर लेता है तो उसके बाद जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो हम बनाएंगे वो चेंज हो जाएगा 30 डिग्री पे. साथ में आगे उसने क्या कहा, इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3, यानी कि जो 30 सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वहां पे जो ये हाइट है वो सेम रहेगी. ठीक है, पॉइंट ए अगर ये है, ये पॉइंट अगर बी है, तो ये हाइट आपकी सेम रहेगी. इट इज, हमें गिवन क्या है, इट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3600 √3 मीटर. तो यहां से जब हम लेके चलेंगे, दिस इज अगेन 3600 √3, क्योंकि कांस्टेंट हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है. अब ए टू बी ये डिस्टेंस कितने टाइम में उसने ट्रेवल किया इन 30 सेकेंड्स. अब इनकी नेमिंग दे देते हैं हम. ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास 3600 √3, और दूसरा जो हमें ये एंगल गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर 30 सेकेंड, दिस इज गिवन टू बी 30 डिग्री. ट्राइंगल्स बताइए कौन कौन से हैं, क्लियर कट दिख रहे हैं हमें. हाँ, बी ओ डी एंड ए ओ सी. चलिए क्या लेके चलेंगे इन ट्राइंगल बी ओ डी एंड ए ओ सी. हाँ जी, क्या क्या गिवन है ए बी ओ डी में मुझे. हाँ, टेन 30 इज इक्वल टू बी डी. हाँ, 3600 √3, ये बी डी परपेंडिकुलर गिवन है. दिस इज बेस मुझे नहीं गिवन है, तो इसको एज इट इज ले लेते हैं, या आप चाहो तो आप इसको एक्स या वाई की टर्म्स में भी ले सकते हो. सो टेन 30 इज इक्वल टू 3600 √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने इसको ओ डी एज इट इज ले लिया. नाउ टेन 30 1/√3, वैल्यूज जो है वो टिप्स पे होनी चाहिए. सो ओ डी कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, दैट विल बी 10,800 मीटर. ये पूरी लेंथ आ गई मेरे पास 10,800. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ सी अगेन वी आर हैविंग 1060, दिस इज इक्वल टू 3600 √3 अपॉन बेसिस ओ सी. 1060 √3, 3600 √3 अपॉन ओ सी. रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, इधर वन रह गया, वन इंटू ओ सी इज ओ सी, तो ओ सी आ गया हमारे पास 3600 मीटर. अब देखो ओ डी माइनस ओ सी अगर मैं कर दूं तो व्हाट आई विल गेट, सी डी. ये पूरी लेंथ मुझे गिवन है, इस पूरी लेंथ में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ठीक है, ये मैंने यहां से माइनस कर दी, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, सी डी. तो सी डी जो है दैट इज ओ डी माइनस ओ सी. ओ डी कितना आया है हमारे पास 10,800, ओ सी कितना आया 3600, सो दिस इज 7200 यूनिट हमें मीटर गिवन है. अब ये डिस्टेंस सी डी कितने टाइम में ट्रेवल किया, 30 सेकेंड्स में. टाइम है मेरे पास, डिस्टेंस है मेरे पास, आई कैन फाइंड आउट इट्स स्पीड. क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख देंगे, मैंशन कर देंगे, डिस्टेंस सी डी इज ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स. So speed is equal to distance upon time. So this is equal to distance 7200. Time we are having as 30 seconds. But in the question we have been asked find the speed of the plane in kilometer per hour. ठीक है? ये हमारा unit क्या आ रहा है? This is meter per second. Meter को kilometer में convert करना है. Seconds को hours में convert करना है. One hour में how many seconds we are having? 3600. And 1 meter में how many kilometers? 1/1000. या 1 kilometer में how many meters we are having? 1000. तो meter छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो what we will do? Divide करेंगे.
सो डिवाइड बाय 1000 एंड अगेन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3600. सो दिस विल बी किलोमीटर पर आवर. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट योर आंसर एज 864 किलोमीटर पर आवर. Calculations you will do yourself. Cuttings, cancellations you will do yourself. So your answer will be 864 kilometer per hour. Got it? Clear? Now moving on to the next one. हाँ जी. That is same. That is given to us. That plane is flying at a constant height. Is it done, Manpreet? Any doubts? So moving on to the next one. Now we are having the next question as length of a shadow of a tower standing on a level ground is found to be 2x meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 45 degree. जब भी आपके पास sun's altitude की बात हो रही है तो angle जो है वो हमेशा आपने जो आपका ground वाला horizontal है उसके साथ बनाना है. ये नहीं लेना कि sun ऊपर की तरफ है तो angle आप ऊपर की तरफ बना दोगे, क्योंकि यहाँ पे उसने एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कहा है तो एंगल हम कहाँ बनाएंगे, नीचे की तरफ. एलिवेट कर रहे हैं मीन्स हमें ऊपर की तरफ देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट हमारी ऊपर की तरफ है. सो वी आर गिवन कि लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 2x मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वॉज 45 डिग्री. तो ये टॉवर हो गई. नहीं समझ आ रहा कहाँ से क्या लेना है तो आपको इस केस में मैंने बताया हुआ है कि छोटे वाला एंगल हमेशा आपने बाहर की तरफ लेना है एंड जो आपका बड़ा वाला एंगल है दैट विल बी टेकन इनसाइड. ठीक है, तो वैसे उसने हमें क्या कहा कि जो सन्स एल्टीट्यूड व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री तो लेंथ ऑफ द टॉवर जो है दैट इज 2x मीटर लॉन्गर. पहले अगर लेंथ ऑफ शेडो इतनी थी, अब ये 2x मीटर लॉन्गर हो गई, यानी कि ये डिस्टेंस मुझे गिवन है. लेट अस नेम these as A, B, C, D. So C, D jo hai, this is given to be 2x. Clear? B, C mujhe nahi pata. Let this be Y. Aur prove karna hai hume that the height of the tower is root 3 plus 1 into x meter. Height bhi nahi pata hume. Height humne nikalni hai, calculate karni hai that this is root 3 plus 1 into x. Figure dubara dekh lo. हमें गिवन है द जो है लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 2x मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री. सन का एल्टीट्यूड जब 45 डिग्री था, जितना इसका शेडो बन रहा है, ये टॉवर है, दिस इज द टॉवर, तो टॉवर का शेडो जितना पहले बन रहा था, जब ये चेंज हुआ फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री द लेंथ ऑफ द शेडो इज इंक्रीज्ड बाय 2x. ठीक है, तो y अगर पहले था 2x इंक्रीज हुआ, एंगल कहां से कहां चेंज हुआ 45 डिग्री टू 30 डिग्री. कौन सा एंगल बाहर लेना है, हमेशा छोटे वाला बाहर लेना है, बड़े वाला एंगल हमेशा अंदर की साइड लेना है. व्हाट वी आर टू फाइंड आउट, वी आर टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉवर इज रूट 3 प्लस 1 इनटू x मीटर, दैट वी आर टू शो. तो इट मींस अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो व्हाट वी आर टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टॉवर. सो दो ट्राइंगल्स अगेन क्लियर कट वी कैन सी, फर्स्ट वन इज ए बी सी, यस, एंड द सेकंड वन इज ए बी डी. किससे मुझे क्या मिलेगा नहीं पता लगता, तो पैरेलल में इसीलिए मैं करवा रही हूँ. हाँ जी, इन ट्राइंगल ए बी सी थीटा कितना गिवन है 45 डिग्री, हाइट एच बेस वाई, तो टेन 45 इज इक्वल टू एच बाय वाई. पहले ऊपर आप लिखोगे सो टेन 45 इज 1, सो एच इज इक्वल टू वाई. ये इक्वेशन 1 ले लोगे. सेकंड ट्राइंगल वी विल बी हैविंग एज इन ट्राइंगल ए बी डी.
So in triangle ABD, what we are having h upon y plus 2x, total height लेके चलनी, total जो है ये base हमें लेके चलना है. So this is y और 2x ये था, तो total जो आपका ये distance हो गया, that is y plus 2x. Angle हमें given है 30 degree. So this is tan 30 degree. Tan 30 we know that is 1 by root 3 is equal to h upon. यहाँ पे हमें क्या given है, y is equal to h. हमें जो आंसर शो करना है, जो हमें प्रूव करना है, दैट इज h इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स. इट मीन्स वी हैव टू इलिमिनेट y. y को इलिमिनेट करना है, तो y वी नो दैट इज इक्वल टू h. सो दिस y वी विल रिप्लेस विद h. एंड फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन यूजिंग इक्वेशन वन. नाउ सिंप्लीफाई दिस, h प्लस टू एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एच आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग. सो दिस इज 2x इज इक्वल टू रूट थ्री h minus h, this is root 3 minus 1 into h upon, and this is equal to 2x. We have to calculate x, so this will be 2x upon root 3 minus 1. But हमने जो है जो denominator है वो irrational नहीं छोड़ना है. So for that what we will do, we will rationalize the denominator. So this will be h is equal to 2x upon root 3 minus 1 into root 3 plus 1. Yes. So h is equal to 2x into root 3 plus 1. Upon me 2 hai, so that 2 will get cancelled. Okay. So h will be root 3 plus 1 into x, and that we were to prove. Unit aap laga denge saath mein, that is meter. So this we were to prove. Ab jo previous board questions aaye the, unme ek baar ye question aapka is tarike se aaya hai. 2x ये हमें length given थी. The very next year same question, same format है, means यहाँ 2x की जगह उन्होंने दे दिया कि length of the shadow is increased by 20 meter और angle 45 से 30 की जगह उन्होंने कर दिया 60 and 45. तो questions आपके pattern जो है, concept जो है वो same रहेगा, सिर्फ उसमें जो values हैं वो change हो जाएंगे. तो in that way you are to do the practice. बेशक ये है कि यहाँ पे हमें वेरिएबल की फॉर्म में गिवन था, एक्स की फॉर्म में गिवन था, तो आपने घबराना नहीं है स्टेटमेंट को देख के. कूल माइंडेड स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स सारे यही हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, दो ट्राइंगल्स बन रही होंगी, दो एंगल्स से ज्यादा वाला नहीं आता है सीबीएसई में, तो दो ट्राइंगल्स बन रही होंगी, दो ट्राइंगल्स से किसी एक में हमें एक वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी यूज इन द सेकेंड वन, एंड इन दैट वे वी विल प्रोसीड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question we are having, okay fine. Beta, as the bell has gone, so I'm just ending the meeting now. You are to do the practice of these type of questions and I will send you the assignment. Thank you. Have a nice day.